दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया ऐलान। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें ये साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी। आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस पार्टी के 88 नेता, तो सभी को कारण बताओ नोटिस कर दिया गया जारी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 88 पदाधिकारी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई कार्यकारी समिति की बैठक से गैरहाजिर रहे। इसके बाद इन सभी को अब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस बैठक का एजेंडा आगामी लोकसभा चुनावों में अल्पसंख्यक सेल की जिम्मेदारियों तय करना और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली राहुल गांधी की यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित था। मेनन ने बताया कि यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। इसके बाद भी कई पदाधिकारी पूर्व सूचना के बावजूद नहीं आए। ऐसी में बैठक से अनुपस्थित रहने वाले 88 पदाधिकारियों को अब कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। अगली बड़ी खबर, मंत्री उदयनिधि स्टालिन समेत 3 के खिलाफ FIR के आदेश, सनातन धर्म के खिलाफ की थी बड़ी टिप्पणी, सनातन धर्म को बताया था डेंगू और मलेरिया। दरअसल बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और 3 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर सनातन धर्म का अपमान करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। यही नहीं, अदालत ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 298 और 500 के तहत आपराधिक मामला शुरू करने का भी आदेश दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश जे प्रीत ने वी परमेश की ओर से दायर एक याचिका पर विचार करने के बाद ये आदेश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा पर जमकर बरस से जयराम रमेश, बोले ये अस्थिरता की राजनीति है, भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया गठबंधन से परेशान है बीजेपी। दरअसल झारखंड में मचा सियासी घमासाना रुकने का नाम नहीं ले रहा। काफी जद्दोजहद के बाद चंपई सोरेन ने यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन अब मंत्री बनने की होड़ मच गई है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि अगर झारखंड में कुछ मंत्रियों को फिर से दोहराया गया तो पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह होगा। वहीं इरफान अंसारी के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण समारोह में देरी की, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, जल्द ही मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। जयराम रमेश ने बीजेपी पर भी जोरदार हमला किया। जयराम रमेश ने कहा कि पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, फिर बिहार में नीतीश कुमार को यूटर्न के लिए मजबूर किया और अब झारखंड में ईडी और सीबीआई की कमान हेमंत सोरेन पर छोड़ दी गई है। ये अस्थिरता की राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया गठबंधन से बहुत परेशान है। अगली बड़ी खबर, शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले गठबंधन में अपना अपना करप्शन है, जनता कहेगी राम नाम सत्य है। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में लगातार पड़ती फूट और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद अब बीजेपी ने भी हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक तरफ जहां पर देश भर के लोग जय श्री राम कह रहे हैं तो वहीं जल्द ही गठबंधन के लिए राम नाम सत्य है कह देंगे। न्यूज एजेंसी NI से खास बातचीत में शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें ममता बनर्जी ने इस बात पर संदेह जाहिर किया है कि कांग्रेस पूरे देश में 40 सीटें भी जीत पाएगी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी भी करार दिया है। ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करा शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है, ये विडंबना है कि एक तरफ हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, दूसरी तरफ जब से न्याय यात्रा शुरू हुई है तब से इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार बिखर रहा है। शहजाद पूनावाला ने कहा
क्या ममता दीदी ने कहा है कि राहुल गांधी एक प्रवासी पक्षी हैं और वो फोटो सेशन के लिए यहां पर आते हैं। उन्होंने संदेह जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी के पास 40 सीटें भी लोकसभा में नहीं होंगी। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जंग देख रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनाम कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। केरल में वामपंथी कांग्रेस से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे इंडी गठबंधन के पास में देश के लिए कोई भी मिशन या कोई भी विजन नहीं है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी ममता बनर्जी। बंगाल का फंड रोकने पर केंद्र पर भड़की ममता दीदी। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार से विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए फंड मिलता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए राज्य के बकाए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी के धरने की शुरुआत शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हुई, जो आज भी जारी है। बंगाल सरकार सबसे ज्यादा मनरेगा फंड को रोके जाने से केंद्र सरकार से नाराज है। ममता बनर्जी ने दोपहर 1 बजे रेज रोड एरिया के मैदान में धरने की शुरुआत की है। इस धरने में टीएमसी के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले साल मार्च में भी फंड रोके जाने के विरोध में 2 दिनों तक धरना दिया था। ममता बनर्जी का यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक दिन में खर्च हुए 50 लाख रुपए, 1 किलोमीटर पर आया 1.5 लाख रुपए का खर्चा। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई उनकी इस यात्रा पर कुल 71.80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि 145 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। राहुल गांधी की रोजाना की यात्रा पर 50 लाख रुपए का खर्चा आया है। उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा में प्रति किलोमीटर 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट की माने तो पार्टी का खर्चा उससे मिलने वाली इनकम से कहीं ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले युवा, किसान और गरीब हर किसी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और हम लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि देश में युवाओं, किसान और कमजोर वर्ग के साथ में अन्याय किया जा रहा है। की यात्रा झारखंड में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, इस यात्रा का मकसद इस नफरत को खत्म करना है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इसके खिलाफ यहां यात्रा लेकर आए हैं, हम सभी को एकजुट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है, हम यहां पर सभी को एकजुट करने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में गरीबों और कमजोर वर्गों के साथ में अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ और किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आपको बता दें कि अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत में अडानी नाम लिया जाता है तो लोग कुछ ही सेकंड के भीतर ही समझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कैपिटल हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भूमि न्यायाधिकरण विधेयक लाए, प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि न्यायाधिकरण विधेयक रद्द कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सबके खिलाफ अन्याय हो रहा है और देश में अडानी को न्याय मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भले ही बीजेपी के पास में धन बल और पैसा हो, मगर कांग्रेस इन चीजों से डरती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का किया स्वागत। उद्धव गुट ने उठाए सवाल, कहा सावरकर और बाला साहेब को कब मिलेगा भारत रत्न। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसे लेकर देश के तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और पूछा कि आखिर बाला साहेब ठाकरे और सावरकर को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया है। शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा कि हमें अभी पता चला कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, यह बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने हमेशा विनम्रता की राजनीति की और सभी को एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को आखिर भारत रत्न कब दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के 136 विधायक एमएलसी और सांसद दिल्ली में करेंगे जबरदस्त हल्ला बोला। फंड रिलीज की मांग पर जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में कर्नाटक कांग्रेस। दरअसल पश्चिम बंगाल की तरह कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर राज्य का फंड रिलीज करने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ अब दिल्ली में आंदोलन की तैयारी हो रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक को उसके हिस्से की केंद्र आर्थिक सहायता देने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 7 फरवरी को नई दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकार के लिए यह बड़ा आंदोलन होगा। डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे तथा इसमें 136 विधायक, कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य और सांसद हिस्सा लेंगे। दिल्ली में इस आंदोलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी तालमेल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार के सभी 136 विधायक, 2 अन्य विधायक और विधान परिषद सदस्य 6 फरवरी को नई दिल्ली में पहुंचेंगे और 7 फरवरी को जोरदार हल्ला बोल करेंगे। दिल्ली में संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर 7 फरवरी को जोरदार प्रदर्शन की इजाजत भी मांगी गई है। अवली बड़ी खबर, अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए अग्निपथ के युवा, कांग्रेस के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों में चयनित युवाओं की भर्ती की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पूर्व सैनिक इकाई के बैनर तले युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आयोजकों ने कहा कि पहले दिन विरोध प्रदर्शन में 300 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। AICC की पूर्व सैनिकों की शाखा के कर्नल सेवानिवृत्त रोहित ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों में चयनित हुए लगभग 1.5 लाख युवा अब भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवाओं में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी और अंतिम चयन के लिए योग्य घोषित किए गए थे। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन युवाओं को सेना में नियुक्ति के लिए मंजूरी दिए जाने की मांग की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ अब युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।